बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं जो चकवाल में वैरायटी मंजर आम पर आई थी, जिनका दावा था कि 100 मन फी एकड़ से ज़ायद पैदावार देती है ये वैरायटी, और इसको काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारों ने पसंद भी किया, ज़िम्मेदारों में हाइप भी क्रिएट किया है, कौमी चैनल ने इसकी न्यूज़ भी चला दी कि ये वैरायटी जो है ज़रात में इनकलाब बरपा कर देगी। तो दोस्तों फिर हुआ कि आके माहरीन तक भी ये रिपोर्ट जो है वो पहुंच गई। इस वैरायटी की तस्वीर और वीडियोस जो यूब रिसर्च के मायानाज साइंसदान हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गंदम की फसल पर अपना काम किया, उन दोस्तों तक ये वीडियो पहुंची जिन्होंने इसका रद्द किया और ये कहा कि ये गंदम की वैरायटी नहीं है बल्कि ये एक चारे की वैरायटी है। तो दोस्तों इसी सिलसिले में फिर महकमा ज़रात एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने एक कमेटी कायम की, जिस कमेटी का ये मकसद था कि वो इस चीज़ को वेरीफाई करें कि ये जो बातें हो रही हैं आया कि ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। तो दोस्तों फिर डायरेक्टर रावलपिंडी डिवीज़न ने 3 रुकनी जो है वो कमेटी कायम की, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया कि आके आप जाकर पता करें आया कि ये वैरायटी ठीक है या फिर नहीं ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या वैरायटी ठीक थी, इसको काश्त करना चाहिए या नहीं, क्या इसका इंसानी सेहत पर कोई मुज़र असर है, इस बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों इसकी गज़ाई और ज़रिए अहमियत क्या है, हम गुज़िश्ता अपनी वीडियो में इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताने लगे हैं कि आखिर इस वैरायटी का जो है वो एट द एंड फैसला क्या हुआ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बातें बताई हैं, जैसे ये वीडियो वायरल हुई है तो दोस्तों में बहुत ज़्यादा पूरे पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में दोस्तों जो है ना वो एक खुशी की लहर थी, खुशी की फ़जा थी। चकवाल के एक जो मुकामी सहाफ़ी थे उन्होंने ये वैरायटी जो है वो अपने फेसबुक पेज पर शेयर की, जिनकी वजह से एक बहुत बड़ा चैनल जो है वो उनका नुमाइंदा आया, उसने दोस्तों इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके कौमी जो है वो चैनल पर इसकी न्यूज़ रन कर दी, और दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई 10 किलो या 20 किलो बीज डाल के आप 100 मन पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों एक पुराने साइंटिस्ट थे यूब रिसर्च के अशरम मियाँ साहब, तो उन्होंने जब ये देखा, उन्होंने जाहिर सी बात है गंदम पर सारा अपनी ज़िंदगी काम किया और में अशरफ भी उनके नाम पर एक गंदम की वैरायटी है, तो दोस्तों उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि ये एक ट्रिटिकेल की वैरायटी है। मेरे तक भी दोस्तों जब ये वीडियोज़ पहुँची और मुख्तलिफ गैदरिंग में जिम्मेदारों के साथ डिस्कशन होती थी दोस्तों, कुछ मैंने पिक्चर देख के मैंने कहा था यार ये गंदम की वैरायटी जो है ना वो मालूम नहीं होती है, गंदम जैसी लग रही है। लेकिन जब दोस्तों उस पर मैंने मज़ीद रिसर्च की है, रिसर्च पेपर्स देखे हैं और जो भी बातें देखें दोस्तों, मुझे भी ये आइडिया पता चल गया, ये बात पता चल गई कि ये गंदम नहीं है बल्कि गंदम जैसी एक वैरायटी है, और एक क्रॉस के ज़रिए, राई ग्रास के क्रॉस के ज़रिए जो है दोस्तों ये वैरायटी तैयार की गई है। और जो इसकी मज़ीद मैंने आपको बातें बताई कि पोल्ट्री फीड में और ये जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन दोस्तों रिसर्च में ये भी पता चला कि पोल्ट्री का वज़न जो है इसके दाना खाने की वजह से वो बढ़ता नहीं था, लेकिन जिसकी वजह से जो है दोस्तों इसको पोल्ट्री फीड के लिए भी अनफिट कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये मकई से ज़्यादा सस्ती पड़ती थी। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में वैरायटी कहाँ से पहुंची है, मर्दान के किसी स्मगलिंग के जरिए एक मर्दान तक पहुंची है, वहाँ से दोस्तों फिर उन्होंने 2-2, 4-4 किलो बीज बेचा है, ज़मींदारों ने लगाया है और उस बीज की मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो जिसकी वजह से दोस्तों इस साल 15 एकड़ के रकबे पर यह हमारा सीड काश्त हुआ था। तो दोस्तों अब उस चैनल ने भी ये एक माजरती पैगाम कह लें या फिर एक रुजू का पैगाम, उन्होंने भी ये रिपोर्ट शेयर कर दिया है कि ये जो गंदम जैसी वैरायटी है ये गंदम नहीं, एक्चुअली ये ट्रिटिकेल है जो कि एक चारे की वैरायटी है। हमने दोस्तों आपको ये बहुत पहले इस तहकीकती कमेटी के फैसले से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि ये चारे की वैरायटी है। अब कुछ दोस्त हमारी गुज़श्ता वीडियो पर भी एतराज़ कर रहे थे, जी आप कभी वहाँ पर आए हैं, आपने कभी देखा है, तो मतलब हम तो लगा रहे हैं, हमारी तो रोटी भी बड़ी अच्छी बन रही है। तो दोस्तों वो तो जाहिर सी गाल है कि मार्केटिंग जो है वो स्टंट होता है कि दोस्त कई इसकी तारीफ कर रहे हैं और कोई ये कह रहे हैं कि अच्छा नॉलेज है। अब दोस्तों जो हतमी कमेटी है, जो कानूनी तौर पर इस वैरायटी का फैसला हुआ है, उन्होंने तो इसको बिल्कुल गंदम नहीं करार दिया, उन्होंने इसको कहा है कि ये एक चारे की वैरायटी है जो कि आप एज अ चारा जात के तौर पर काश्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कागजात में ऐसी दोस्तों कोई वैरायटी रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को उन्होंने बाखबर भी किया है कि ऐसा भी किसी से भी 1500-2000 रुपये किलो या 500-600 रुपये किलो बीज जो है वो खरीदने से गुरेज, उनको ये एडवाइस करूँगा कि वो सिर्फ गंदम की वो अकसाम काश करें जो महकमा ज़रात की तरफ से तस्दीक शुदा और मंजूर शुदा हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड किसी चीज़ को काश ना करें, क्योंकि उससे करें। मैंने एक वीडियो देखी है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि 20,000 रुपये मान ये आप बीज हमसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाएं, चारे के तौर पर लगाएं,
और चारे के तौर पर अगर आपको 5-10 किलो बीज मिलता है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों वो जो है आप बढ़ाकर दूसरे ज़िम्मेदार भाइयों को भी वो बीज जो है वो दे सकते हैं, लेकिन एज अ चारे गंदम की फसल के तौर पर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने आपको बताया इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो ये वाली ट्रिटिकेल है पाकिस्तान में काश्त हुई है इसकी कम है। दुनिया में दोस्तों अब ट्रिटिकेल की ऐसी वरायटी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने गोरों ने इम्प्रूव कर लिया जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है। वो अगर आपको कहीं से सीड मिलता है तो वो आपको महकमा ज़रात हुकूमत पंजाब के मशवरे से वो आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वैरायटी को जो है वो मुजरे सेहत कह रहे हैं, लेकिन मुजरे सेहत मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंसानी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी देसी गंदम है या जो हमारी रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं वो इंसानी सेहत के लिए जितनी बेहतर है दोस्तों कदरे ये बेहतर नहीं है। तो दोस्तों अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो चारे के तौर पर काश्त करें, क्योंकि महकमा हज़रात ने डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन चकवाल ने भी ये बिल्कुल ऐलान किया कि ये गंदम की वैरायटी नहीं है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों पर आप नज़र रखा करें, तहकीकात किया करें, उसके बाद चला करें। हमारा मकसद दोस्तों किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, किसी को गलत कहना नहीं, सिर्फ एक मालूमात आप दोस्तों तक पहुँचाना ताकि आप ज़िम्मेदार काश्तकार भाई अच्छे तरीके से दोस्तों अपनी काश्तकारी कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।